मैं हूं अभिषेक बारेठ और आप इस वक्त मेरे साथ द विंडो देख रहे हैं। चीन एक ख्वाब देखता है और वो हमारे घर में घुसने की कोशिश करता है। उसने लगातार दूसरी घुसपैठ की है। लद्दाख में हुई चीनी घुसपैठ को, यानी पहली घुसपैठ को, अब 75 दिन बीत चुके हैं और कई स्तरों पर बातचीत से इस मसले को सुलझाने की कई नाकाम कोशिशें हमने की हैं। आज चीन ने फिर वही किया। चीन ने एक बार फिर भारत में घुसपैठ की एक कोशिश की, जो भारतीय सेना ने हालांकि नाकाम कर दी। चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। हमारी सेना ने चीन की सेना को पेंगोंग सु झील के पास रोक कर आक्रामक रुख अपनाते हुए उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये खबर है। इससे पहले भी 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी। भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। दरअसल कई बार आप ये जानना चाहते होंगे कि चीन की इस जगह में क्या दिलचस्पी है। पूरी खबर आज की जो खबर है वो ये थी, लेकिन इससे दीगर जो हम आपको बताने वाले हैं, जो आप जानना चाहते हैं, वो ये है कि चीन और भारत के बीच जंग के हालातों पर आज हम आपको जानकारी देंगे। क्या भारत और चीन का युद्ध हो सकता है? क्योंकि अब भारत ने चीन को साफ लहजे में बता दिया है कि हम बातचीत के जरिए शांति के पक्षधर जरूर हैं, लेकिन अपनी सीमाओं की सुरक्षा हम सबसे पहले करेंगे और किसी भी घुसपैठ और ऐसे किसी मंसूबे से हम सख्ती से निपटेंगे। दरअसल हमारी चीन से लगी बॉर्डर की लंबाई 4056 किलोमीटर की है और साल 1956 से चीन हमारे लद्दाख क्षेत्र की गलवान वैली, जिसका नाम आप इन दिनों या जून से लगातार सुन रहे हैं, पश्चिमी हिस्से पर अपना इलाका होने का दावा करता है। इसी वजह से 1962 का शिनो चाइना संघर्ष हुआ और जितने भी झगड़े दोनों देशों के बीच हुए उनमें गलवान घाटी इन संघर्षों का आज तक केंद्र रही। बीते 58 वर्षों में दोनों देशों के बीच युद्ध स्तर के 4 संघर्ष अब तक हो चुके हैं, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इसकी हालत भी पाकिस्तान जैसी है। हर बार हमने संघर्ष की हालात को या कोशिशों को डालने की कोशिश की है, पर चीन बार बार हमारी शांति को हमारी कमजोरी समझता है और ये मौका हमने ही उसे दिया है, क्योंकि वो इस मंसूबे के साथ आता है कि भारत कभी जवाब नहीं देगा। लेकिन अब वो भारत बदल गया है। हम वास्तविक सीमा रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी मैकमोहन सीमा को सीमा रेखा मानते हैं, लेकिन चीन इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। 1962 की लड़ाई भी इसी मुद्दे पर हुई और हमारे 1383 जवान उस दौरान शहीद हुए। ठीक इसके 5 साल बाद यानी 1967 में सिक्किम के पास चीन और भारत की लड़ाई फिर हुई, जिसमें हमारे 80 जवान शहीद हुए और चीन के 400 सैनिक इस दौरान मारे गए। 1975 में चीनी सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को वायलेट किया और इसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए। जून के महीने में गलवान वैली में घुसपैठ हुई, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए और चीन के 40 सैनिक मारे गए। पहले चीन ने अपने किसी भी जवान के मारे जाने से इनकार किया था। ये खबर आपने बार बार देखी होगी, लेकिन अब ये बात खुल गई है। इसे झूठ की कलई खुलना कहते हैं। 40 से ज़्यादा जवान उनके मारे गए थे। ऐसा नहीं है कि हमने शांति के मजबूत प्रयास नहीं किए, बल्कि हमने 5 बार ये गंभीर प्रयास किए। उन 5 प्रयासों को हम आपको समझा दें। हमारा पहला प्रयास 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के वक्त हमने किया था, जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव चीन में चीनी प्रीमियर ली पेंग के साथ मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पैक्ट पर साइन किए थे। दूसरी बार प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के समय, जब चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन भारत पहुंचे, उस वक्त भी हमने शांति समझौता किया। तीसरी बार 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस मसले को सुलझाने की भरपूर कोशिश की। 2005, 2012 और 2013 में मनमोहन सरकार ने 3 समझौते किए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल के पहले चरण में 2018 में चीन में पीएम मोदी ने वुहान में इनफॉर्मल समिट किया और 2019 में ही शी जिनपिंग और मोदी जी तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मिले। हमारी मर्यादा और शांतिपूर्ण रवैये को हर बार हमारी कमजोरी माना गया, पर अब भारतीय सेना और सरकार दोनों एक्शन मोड में आ गई हैं।
चीन की घुसपैठ को लेकर रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एक नोट जारी किया। इसमें क्या कहा गया है, जो कहा गया है पहले आप वो जान लीजिए। कहा गया है, ऑन द नाइट ऑफ 29-30 अगस्त 2020 PLA ट्रूप्स वायलेटेड देयर प्रीवियस कंसेंसस अराइव्ड एट ड्यूरिंग मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट ड्यूरिंग देयर ऑन गोइंग स्टैंड ऑफ इन ईस्टर्न लद्दाख एंड कैरिड आउट प्रोवोकेटिव मिलिट्री मूवमेंट्स टू चेंज द स्टेटस को। इंडियन ट्रूप्स प्रीएम्प्टेड दिस PLA एक्टिविटी ऑन द साउथर्न बैंक ऑफ पेंगोंग सो लेक, अंडरटूक मेजर्स टू स्ट्रेंथन आवर पोजिशंस एंड थॉट चाइनीज इंटेंशन टू यूनिलैटरली चेंजेस फैक्ट्स ऑन ग्राउंड। द इंडियन आर्मी इज कमिटेड टू मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी through dialogue, but is also equally determined to protect its territorial integrity. A brigade commander level flag meeting is in progress at Chushul to resolve the issue. यानी चीन ने फिर यथास्थिति स्टेटस को का उल्लंघन किया है, उसका वायलेशन किया है। नोट के मुताबिक 29 अगस्त की रात चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख के भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को इस कोशिश का जो है जवाब दिया, उसे नाकाम कर दिया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इससे पहले चीन ने लद्दाख के पास अपने J-25 प्लेन्स को भी तैनात कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया है कि भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को पेंगोंग सो झील के दक्षिणी किनारे पर ही रोक लिया। भारत ने यह भी कहा कि हमारी सेना बातचीत के जरिए शांति कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना बेहतर जानते हैं। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए चुशूल में ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत भी हो रही है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने होतान एयरबेस पर जे फाइटर प्लेन को तैनाती दी है। ये फाइटर 29 और 30 अगस्त की रात हुई घटना के पहले वहां पर डिप्लॉय किए गए। होतान एयरबेस लद्दाख से नज़दीक है। चीन ने ये तैनाती अपनी रणनीति की तहत की है। लड़ाकू विमान अब भी वहां पर उड़ाने भर रहे हैं। इसी 10 सितंबर को भारत के 5 राफेल एडवांस फाइटर प्लेन्स भारत की वायुसेना में एंट्री कर जाएंगे, यानी वो हमारे जंगी बेड़े में शामिल हो जाएंगे। बातचीत से कोई हल नहीं निकला। गलवान झड़प के बाद लद्दाख में विवादित इलाके से सैनिक हटाने के लिए भारत चीन के आर्मी अफसरों के बीच 2 बार मीटिंग हो चुकी है। अब तक ये बैठकें 30 जून और 8 अगस्त को चीन के इलाके में पड़ने वाले माल्डो में हुई थी, लेकिन इसका कोई खास नतीजा या परिणाम जो सकारात्मक हो वो हमारे सामने नहीं आया। चीन 3 इलाकों से अब तक पीछे नहीं हट रहा और आर्मी और डिप्लोमेटिक लेवल की कई राउंड की बातचीत के बावजूद चीन पूर्वी लद्दाख के फिंगर एरिया, डेपसोंग और गोगरा इलाकों से पीछे नहीं हट रहा। चीन के सैनिक 3 महीने से फिंगर एरिया में अभी तक डटे हुए हैं। अब उन्होंने बंकर बनाने और दूसरे जो अस्थाई निर्माण जो हैं उनको भी करना शुरू कर दिया है। इस पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रावत बोले, चीन नहीं माना तो सैन्य विकल्प हमारे लिए तैयार हैं। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं उन्होंने ये बड़ा बयान दिया था। रावत ने ये कहा था कि चीन के साथ बातचीत से विवाद नहीं सुलझा तो हमारे पास में सैनिक कार्यवाही के विकल्प खुले रहेंगे। हालांकि शांति से समाधान तलाशने की अब भी कोशिशें की जा रही हैं, ये हमारा काम भी है और यही हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। आर्मी से लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास अतिक्रमण रोकने और इस तरह की कोशिशों पर नज़र रखने के लिए भी आर्मी को निर्देश दिए गए हैं। इसी बात में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि चीन से बातचीत का विकल्प अब इस घटना के बाद में खत्म हो चुका है। आखिरी बात, क्या दोनों देशों के बीच युद्ध हो सकता है? आंशिक स्तर पर अगर कहें तो ये हो सकता है, क्योंकि फ्लैग मीटिंग फेल हुई और चीन ने अपने सैनिकों को पीछे नहीं हटाया और भारत को उकसाया, तो संभव है कि इस बार हमारी सेना इसका जवाब दे। वैसे भी सेना पूरी तरह इन हालातों से निपटने को तैयार है। हालांकि हमारा देश और हमारे देश के नागरिक युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम हर हालात के लिए तैयार हैं। फिर ऐसी खबरों के साथ में, अपडेट्स के साथ में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो।